रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत अनुसूचित जनजाति लोगों के साथ किए जा रहे अन्याय का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोचने वाली बात यह है कि गरीब आदिवासी जिला प्रशासन को अपनी जायज मांग का ज्ञापन सौंपा था, फिर भी जिला प्रशासन के द्वारा अन्यायियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। इसका ज्वलंत प्रमाण पनवार थाना के पुलिस चौकी हड़ाई के सामने बैठे 5 गरीब आदिवासियों परिवार का क्रमिक भूख हड़ताल है। रामकिशुन कोल द्वारा 28 जुलाई 2022 को जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक रीवा तथा कार्यपालक दंडाधिकारी जवा को सौंपे गए ज्ञापन पत्र को दिखाते हुए प्रेस से बताया था कि मेरी पट्टे कब्जे की जमीन पर मेरा मकान बना है, जिससे 8 वर्ष पूर्व पहले ग्राम दोंदर निवासी उमेश पांडे सेल्समैन थे, वर्तमान समय पर प्रभारी समिति प्रबंधक बन चुके हैं। इनके द्वारा 2500 प्रति माह किराया पर लिया गया था, कुल 1,00,000 मुझे दिया गया, जबकि किराया आज तक में 2,40,000 होता है। मेरा 1,40,000 किराया बाकी है, जिसे नहीं दे रहे हैं। अब उन्हें उस मकान की जरूरत है, वह चाहते हैं कि उसका मकान खाली कर दो, तो खाली नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप आज कमी जो ये कमी के अनशन शुरू है जी, किस कारण बैठे हैं? ये हमारा घर है, साहब घर बनवाए थे, वो घर मेरा खाली नहीं कर रहे हैं, ना मेरा भाड़ा दे रहे हो सिल समय उमेश पांडे। किराए में दिए थे? जी किराए में दिए थे। कब दिए थे? अरे 8 साल से ज़्यादा हो गए। कितने महीने में? 2500 रुपये। तो किराया भी नहीं दे रहे हैं और मकान खाली भी नहीं? हाँ खाली भी नहीं कर रहे हैं। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है? शिकायत तो हम हर जगह कर दी। जो आप अनशन ये बैठे हैं यार, आप 15 दिन 9 अगस्त 2022 जो आप यहाँ अनशन बैठ गए हैं कर्मी कमशन जी जी, आप लोग इसमें इसकी सूचना क्या अधिकारियों को आप दिए थे? हाँ जी, हर जगह सूचना दिए थे, SP को दिए थे, कलेक्टर को दिए थे, फूड में दिए थे, जिला सहकारी बैंक में दिए थे, तहसीलदार को दिए थे और थाने में गया, वहाँ तो मेरा रिपोर्टर नहीं लिया गया। थाने में आपका आवेदन नहीं लिए? आवेदन नहीं लिया गया। बाकी सब थानेदार नहीं थे, मुंशी थे, वो आवेदन नहीं लिए मेरा, बाकी सब थे। हाँ बाकी सब। अच्छा, जो आज बैठ गए हैं तो आज से अपना ये कर्मी हड़ताल फाइल आपको जारी है? जी जी। कब तक चलेगा? जब तक मेरा निर्णय सही नहीं हो साहब, तब तक नहीं। सब लोग बैठे हैं जी जी।